जो सर हमारा डेटा जो है सारा हो चुका है, 143 विलेजेस हो चुके हैं और 77 जनपद जो हैं किश्तवाड़ की वो फिट हैं हमारी डिजाइन के। कुछ हमारी पेंडेंसीज कुछ कुछ की हैं तो उनको टारगेट दिया लोग कि अभी डिजाइन में किसी की पेंडेंसी कोई है क्या जनपद सर? हमारी 36 विलेजेस हैं तो मैं 30 जमाबंदीज कम्प्लीट थी, क्या कहते हैं क्वालिटी चेक ऑन डिजिटाइज ऑल डिजिटाइज 100% और क्वालिटी चेक हमारी 30 हैं तो बाकी कितनी आपकी 36 सर। डिजिटाइज 100% है सर, ये क्वालिटी चेक ने यहाँ से एक हिस्सा में ऑर्डर निकाला था तो उसमें हमने क्वालिटी चेक जिनकी होगी ये जो हम सवाल करूँगा ये सब एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हम शॉर्ट में कर रहे हैं, मेरी 8 बजे तक लगातार मीटिंग्स हैं, 7 मीटिंग हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपको कम से कम आपको पता चल जाए कि हम किस तरीके से यहाँ काम करेंगे। और देखो इसमें क्या ये जो क्वालिटी चेक जिनका हुआ है या मजलिस का, क्या हम पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं? पहला सवाल बोलो। इसमें नए तहसीलदार जो एक्सपर्ट्स थे और उनको लगाया था तो क्या अगर क्वालिटी चेक 100% कह रहे हैं सर्टिफिकेट तो हम डाल सकते हैं? हाँ यस, वही मैं कह रहा हूँ। पहला सवाल टेक्निकल वही बात, क्या क्वालिटी चेक आपने बोला 116 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके लिए, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ यहीं से देखे इनकी जो पालन दी है कि क्या इनको हम पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं? पहला सवाल बताओ। चलो एक और तरीका बोलता हूँ, आप इलेक्शन में सब लोग बिजी हैं, आप भी आपने 10 दिन के अंदर आयत से नोट करते जाओ फटाफट, बाकी वो टाइम कम लगेगा बाकी जिसकी वजह आप पहले वाले से ही फॉर्मेट आपको पता चलेगा। 10 दिन के अंदर आपने इस जनबंदी को अपने गांव में लोगों को बुलाकर वहाँ पढ़ना है, ठीक है, कि ताकि कोई गलती जो है ना हो, सर्टिफिकेट देना कि एक बार फिर हम और मुझे प्रोग्राम भी लिखाने सर। नेक्स्ट हमारा सर डिजिटाइजेशन ऑफ मसावी, एक हो गई है अब तहसीलदार अपना अपना बोलेंगे ना इसी फॉर्मेट को, एक ही सवाल करें। चलो दूसरे को बताओ, दूसरा तहसील फटाफट ये पैरामीटर ले लिया हमने, बाकी वाले बताएं कि मेरी कितनी है कितनी हो गई सर? हमारी 5 जमा हो गए हैं, 5 विलेज है, सभी डिजिटाइज हो गई सर। सर यस सर। और एरर फ्री क्वालिटी चेक आई नहीं, क्वालिटी चेक तो एक आदमी प्रोसेस है ना, अगर ये जल्दी में पहले मैं लिस्ट पे ले रहा हूँ, आपके पास टोटल कितनी है सर? 5 5 में से कितना क्वालिटी चेक हुआ है? 5 में से 4 हो गए, 4 तो आपने 4 का जो है वो 10 दिन के अंदर जाकर ये मजलिस कर रही है, वहाँ ये जिम्मेदार को बुलाना है और वहाँ इसको पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट तहसीलदार, नेक्स्ट कौन सा तहसीलदार? जब कर लियो तहसील बताओ पढ़ाओ, 2 हो गए ना, आपने 11 तहसीलों को बोलना है। छात्र हो गया मड़वा और वाड़बन जुड़े हैं ऑनलाइन के हमारे साथ, मड़वा वाड़बन चलिए 2 माइनस हो गया। अब आ जाओ पार्टनर भी हो जाओ, कौन सा हाँ सर? हाँ हाँ आप नो आपको सुनाई दिया ना हमारा, बताओ जी जी आपकी कितनी थी? जी सर, हमारे सर 9 रेवेन्यू विलेजेस हैं जिसमें डिजिटाइजेशन 100% हो चुकी है, क्वालिटी चेक 7 का हुआ है सर, 2 का पेंडिंग है। तो मैं आपको अब सुन रहा हूँ 7 का आपने यही वाला काम करना है 10 दिन के अंदर, ठीक है सर। और बाद में सर्टिफिकेट आएगा आपका, फिर पब्लिक डोमेन में डालूंगा मैं, और फिर नहीं आना चाहिए उसके बाद में कोई शोर भी गलती आई समझ। नेक्स्ट ईश्वर वहाँ पे पढ़ के सुना मैं गाँव में, सर दक्षिण में सर 5 रेवेन्यू विलेजेस हैं और सर 5 रेवेन्यू विलेजेस का सर जब डिजिटाइजेशन हो चुकी है सर, क्वालिटी चेक भी हो चुका है,
सर उसमें से दो विलेजेस का सर पब्लिक हियरिंग ऑलरेडी हो चुकी थी कुछ मंथ्स पहले, तो बाकी तीन की भी सर कंप्लीट कर ली जाएगी सर दो दिन में। तो बस आप 10 दिन का टाइम में दे रहा हूँ, उसमें दो दिन भी होंगे, पांच दिन भी होगा सर, ओवरऑल 10 दिन के बाद सर्टिफिकेट आना चाहिए, ठीक है? राइट सर, थैंक्स सर। गुड आफ्टरनून सर। सर पार्टनर के सर टोटल सर 27 विलेजेस हैं सर, तो इसमें सबकी सर जो क्वालिटी चेक भी हो गया सर इनका, तो हमने सर इसमें से कोई 15 जो हमने जमा मंदी रीड आउट की थी, तो बाकी जो पेंडिंग है वो भी सर कर ली जाएंगे सर। नेक्स्ट मुगल मैदान। गुड आफ्टरनून सर। हमारे नए रेवेन्यू विलेजेस है, आर डिजिटाइज, आर जो मतलब डिजिटाइज, मतलब दे रेडी फॉर फिट फॉर सीजन। चलिए वेरी गुड। आपका नाव का नाव जो है आपने सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करना और फोटोग्राफ भेजना है, लोगों को बुला के आपके सुनाना है और मुझे बताना है। नेक्स्ट इलेक्शन वाला काम हो गया जो भेजा, जिसके लिए आपको जमा सर अभी से प्रिंटिंग हो रही है सर, और प्रिंटिंग सर कंप्लीट हो जाएगी सर। रात को गाड़ी भेजनी है ना, आपको रात को गाड़ी भेजनी है ना यहाँ से सर। सर तहसील मचेल में सर 5 विलेजेस हैं सर, पांचों की 5 सर कंप्लीट हो गई हैं, आप इनको सर हमको थोड़ा रेड आउट करके ही बताना सर। ओके चलिए हो गया जी, एक और सेकंड। नो स्विच ऑफ टू द सेकंड एजेंडा। नो सर बोलो जी। जितनी मसाले अवेलेबल थी हमारे पास 13 विलेजेस के थे, वो डिस्चार्ज हो चुकी है। इतने गाँव थे, इतना का मसावी था मेरे पास, इतना वाला जो अवेलेबल है, इतना वाला डिस्चार्ज हो गया है, और ये वाला बाकी वाला जो है जियो रेफरेंस इतने का हो गया है, और क्वालिटी चेक कितने का हुआ ये बताओ जल्दी जल्दी से फटाफट। जो आप बोलोगे मैं रिकॉर्ड करूंगा, अभी वो आपकी मीटिंग इसी से होनी है फिर, जो आपने बोला था पड़ताल भी इसी पे होनी है फिर बाद में। अब सुनो इसलिए जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक बोलना है, झूठ नहीं बोलना। चलो काम करने के लिए, और सबके लिए यही सवाल है कि जो भी क्वालिटी चेक आपका है कब होगा ये बताओ आप। चलो ये दूसरा सवाल आपको, क्वालिटी चेक कब होगा बताओ, आपको ये सवाल है। डिजिटाइजेशन ऑफ मसावीज कैडेस्ट्रल मैप, कैडेस्ट्रल मैप का और मसावी जो भी आप बोलते हो इसका कब होगा क्वालिटी चेक 100%। कितना टाइम चाहिए और आवाज आ रही है किश्तवाड़? सही, नेक्स्ट स्विच ऑन करता हूं। आवाज आ रही है कस्टमर किश्तवाड़? आपको कितना वक्त चाहिए इसको 100% अचीव करने के लिए, और कब से आपको दिया गया है टारगेट? सर क्वालिटी चेक के लिए जम्मू में चेक करवाए थे मैप्स हमने, यहाँ पे जब ट्रेनिंग हुई थी उसमें मैप्स में गलतियां आई थी बहुत सारी सर क्वालिटी चेक में।
उससे टीम से बात की थी हमने, जो जम्मू चेक करने आए थे वो कह रहे थे कि हम पुलिस से कॉन्टेक्ट करें कि वो भी हमारा ठीक कर दें। क्वालिटी चेक हो गया सर जितना होना था, उसमें गलती आई है सर, अब वो ठीक करनी है सर। गलती कैसे करनी थी समझाओ मुझे, कौन कर रहा ठीक? रामटेक से वो रामटेक वाला कर रहा है या आपको फील्ड में जाना दोबारा से? सर खुद से ठीक करनी है रामटेक ने, सर हम खुद से सर ऑटो करना चाहिए इसके लिए जी सर। आपको कितना वक्त चाहिए? और सर 15-20 डेज चाहिए सर, 20 दिन। तो 20 दिन के अंदर आपने इनका 100% करना है नेक्स्ट पैसेज। दक्षण सर, पांच मुसाफिर में से सर चार अवेलेबल थी सर, एक मिसिंग थी वो लास्ट मंथ सर रिकवर होगी, डायलेटेड फॉर्म में है सर, बट उसका भी सर कर लेंगे सर। 20 डेज यू आल्सो न्यू 20 डेज छात्र मीटिंग का छात्र जल्दी का मीटिंग है आज, मैं खाली आपको बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं सब लोग, पर्पस है मीटिंग का काम वक्त लगे और आपको पता चल जाए हमें टारगेट क्या मिला कैसे करना है, ठीक है? आपका चलिए 20 दिन आपको देते हैं, ठीक है? 20 दिन आपको। चलिए नेक्स्ट मचेल। सर मचेल में सर पांच विलेज हैं सर, पांच में से सर तीन का तो हो गया सर, लेकिन दो का ना तो मुसावी लेवल है सर और ना ही लटा सर, वो नहीं हो पाया सर। तो जिनका नहीं हो पाया उसको बाद में पकड़ेंगे, ठीक है? राइट सर। लेकिन जो है उनका करना है। पार्टनर का भी बोल दो आप। नेक्स्ट पार्टनर का सर 27 विलेजेस में सर 26 का हो चुका है और सर जो एक हमारा विलेज है उसका भी सर ना तो लट्ठा है ना मुसावी सर अभी मिले सर। गुड आफ्टरनून सर, हमारे मुसावी जो है मोस्टली वो डिजिटाइज हो गई है, कुछ विलेज दो विलेज के हमने रिकवर नहीं की थी लेट स्टेज पे, वो उस टाइम मिसिंग थी तो वही है डिजिटाइजेशन के लिए बाकी दो विलेज। तो उसका चलिए 20 दिन का टाइम आपको। राइट सर। नेक्स्ट वार्डन मडरतन हैनी बोल का जी। सर हमारे 9 विलेज में से 6 का सर हो चुका है, 3 का सर मिसिंग है, वहां पे सर अट्ठा मुसावी अवेलेबल नहीं है। है नहीं अवेलेबल ही नहीं है जी सर। चलिए जो है उनका करो पहले। नारसेनी जी नारसेनी सर और सर जो दो मिसिंग है सर वो भी रिक्रिएट हो चुकी है सर, और आप सर उनकी जो रेफरेंसिंग पेंडिंग है सर। जो आपने बोला वर्ड यूज किया रिक्रिएट, आपने अब कल मेरे को बटन नहीं कर रहा था रिक्रिएशन वर्ड यूज करके इस कलेक्शन में, आपने रिक्रिएट कैसे किया बताओ सर? लट्ठा अवेलेबल था सर, सर लट्ठा अवेलेबल था सर, अवेलेबल था सर। तो चलिए आगे बढ़ा फिर तो आपको काम आसान हो गया जी सर। 20 दिन का टाइम आपको। चलिए नेक्स्ट धर्मशाला। सर हमारे टोटल विलेज 36 हैं और 24 जो अवेलेबल हमारे पास मुसाविस थी, इसमें भी 8 जो हैं कम्प्लीटली अवेलेबल, जैसे उसके कुछ पत्ते मिसिंग हैं जो 8 हैं। तो 24 की हमने सर डिजिटाइजेशन जियो रेफरेंसिंग और मोज़ेकिंग भी की 24 की। 24 सर सिर्फ इसमें 8 जो है 8 पार्शियल है, 100% है जिनका किया है उनका चेक किया है 100%। यस सर क्वालिटी चेक। यस सर वो चेक है 100%। यस सर वो किया। तो जो बाकी वाली बची जो 8 है बची उसमें सर कुछ पत्ते मिसिंग हैं, कुछ वाले तो जैसे 4 पत्ते या 5 एक बीच उसके उसके उसकी अभी तक क्या SOP दी गई आपको इसके लिए अलग से कल मीटिंग करेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, फिर आप लोग आप वो लिस्ट बनाएंगे तहसील विलेज, ठीक है? और फिर मुझे बताएंगे आप लोग बैठ के बात करेंगे। नेक्स्ट हो गया ये वाला। अब आ जाओ स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ रेवेन्यू रिपोर्ट। मैंने
कि क्या आपने जो पुरानी होती थी बुक हमारे पास पासबुक या रिवाइज की है पासबुक के खाते जो पुराना था पैटर्न उसका फीचर्स उसके जो थे या वो कैसे बनाया है सर? पीएसजीए में इनका टाइमलाइन है फिक्स्ड है इश्यू करने के लिए, उसमें हमारे दो कंसर्न्स हैं। एक तो सर ये कि जो पेंडिंग है अभी विद इन पीएसजीए चलो तो डिस्पोज ऑफ करनी है। आउटसाइड का मैंने देखा एक्सट्रैक्ट ऑफ जामबंदीज आपका जो मैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का देख रहा हूं या सुनते जाओ मैं तो अभी 5 मिनट लगाया ऑफिस में आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ जामबंदी जो आउटसाइड पेंडिंग है वो 504 है। दैट मीन्स आपने लिमिट पे अपने वक्त पे लोगों को नहीं दिया विद इन लिमिट्स, ठीक है? तो आज के बाद इसको कम करो। दूसरा रिवर्टेड टू यूजर आपने फर्क जो है 938 जिले के अंदर रिवर्ट किए हैं जो मुझे खबर ये आई है स्टेटमेंट आपकी, तो रिवर्ट किया होगा दैट मीन्स इनकम्प्लीट होगा। प्रोसेस्ड और साइड पीएसजीए इसमें बहुत सारा है दैट मीन्स वक्त तौर पर आप ट्रेंड नहीं करते हो। डिस्पोजल हुआ है लेकिन 15 दिन में करना था महीने के बाद हुआ है, 2 महीने के बाद हो गया है, तो ये टाइमली जो है आप डिस्पोजल करो इसका, खास करके जामबंदी इसका, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सर एक्चुअली सर जो हमारा एसटी के लिए सर हम एक तो आर वर का मिसल हकीकत की जख्म नकल चाहिए थी, दूसरा करंट जमा मंदी का, जिस वजह से एक्चुअली अभी सर जितने भी लोग पार्टर के हैं सर चाहे छोटे हों बड़े हों एस्पिरेंट्स हों तो सभी अप्लाई कर रहे हैं और इसमें सर एक तो सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं दूसरा सर यूटी के लिए, तो उस वजह से सर जो पेंडेंसी है वो बढ़ चुकी है। और दूसरा सर मेरा पटवारी भी काम है, एक पटवारी के पास सर चार चार पटवारी हैं और तहसील मचियल का भी वही चला रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सर मुश्किल आती है ताकि टाइमली हम इसको नहीं कर पा रहे सर। चलो आपको पटवारी देंगे एक आधा देने की जरूरत है, ठीक है? इलेक्शन के बाद सर दूसरा इशू है एक्सप्लेन करो एसटी स्टेटस का, वो एसटी सर्टिफिकेट का क्या इशू है बताओ जरा मुझे समझाएं मोटा मोटा पेंडेंसी क्यों है सर। एक्चुअली अभी सर लोग बल्क में बिल्कुल सभी सर अप्लाई कर रहे हैं फैमिली की, जैसे अगर 8-9 लोग जितने भी हैं सर आप बोल रहे हो कि रश पड़ गया है। जी सर तो वो सर मेन रीजन सर यही है क्योंकि अभी पहले मैंने अपील भी की थी लोगों से कि पहले एक्सपीरियंस अप्लाई करें जिनको अभी जरूरत है, लेकिन सॉरी सर मतलब आप सब लोगों को दे रहे हो ये सर्टिफिकेट? बिल्कुल सर जो अप्लाई कर रहा सर मतलब हम तो देना ही सर उनको बिल्कुल सर कुछ ऑफलाइन भी होंगी इनके पास जो पेंडिंग हुए प्रोटेस्ट करने के लिए म्यूटेशंस ऐसे तो 100 है पेंडेंसी डिस्ट्रिक्ट में जो ऑनलाइन फिगर है हमारी। तो देखो 100 जो है म्यूटेशन आज की म्यूटेशन तो इतना आसान काम है सबसे देखा जाए म्यूटेशन ज्यादातर इधर रास्ते इंतकाल होगा मैक्सिमम तो ये होना नहीं चाहिए। 100 तो बहुत ज्यादा फिगर है 10-15-20 तो आदमी बोलता है जो काम में रह गए होंगे इलेक्शन में टाइम नहीं मिला होगा। इसको देखो आप 3-4 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ ये फिगर जो है 0 पे आ जाए, ठीक है? तहसील वाइज बोलूँ तो चलिए बताओ तहसील वाइज टॉप पेंडेंसी ज़्यादा कहाँ पे? मड़ोरा सर 9 है, दचन में 8, अठोली पाटल 5, बोंजवा 7, किश्तवाड़ 52, नागसेनी 3, किश्तवाड़ आपकी है 50 म्यूटेशन पेंडिंग है आपके? नहीं सर नहीं सर हमारी कोई पेंडेंसी नहीं है म्यूटेशन की सर। ये तो सारे जब ये ऑनलाइन फिगर्स हैं 1 सितंबर के हमने आज ही निकाले हैं तो ये फिगर ऑनलाइन है एक बार आप चेक करो सर। अभी चेक किया सर 0 पेंडेंसी म्यूटेशन सर। ये कैसे भाई यहाँ से सारे ऑनलाइन नहीं एप्लीकेशन पेंडिंग है ये नहीं बियॉन्ड वाली नहीं है बट वैसे पेंडिंग है बियॉन्ड वाली आपकी एक है
बियॉन्ड पीएसजी एक है तो वैसे पेंडिंग कंप्लीट हुए हैं आपके टोटल? वो हो गए सर, विदाउट ग्राउंड हो गए तो। उसके बाद सर नागसेनी की 3 है, छात्रों के 5 हैं, ग्रामशाला के 7 हैं, मुगल मैदान के 6 हैं, तो इन 100 में से 2 ही हैं जो बियॉन्ड पीएसजी गए हैं, एक पार्टली पार्ट में क्या है और एक किश्तवाड़ का है, रेस्ट अभी विद इन पीएसजी है लेकिन पेंडेंसी है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं सर। लैंड एक्विजिशन में दोबारा आता हूँ मैं, NHIDCL है, BRO है, PMGSY है, जिस के पास स्कीमदार पीडब्ल्यूडी का है आपका, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, PDD है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक्सपर्टीज है, हायर एजुकेशन के हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस है, PDD है और KDA के हैं। क्रेडिट की एक्विजिशन है जिम ऑर्डर 18 घंटे की हुई है और एस डी मरवा के पास 7 तनाव 5 घंटे की एक क्रेडिट की हुई है, क्या बता रहे हैं? तो एक्विजिशन किस स्टेज तक है? अवार्ड हो गया इसका मतलब ना, खाली डिसबर्समेंट के लिए रुका है, कोर्ट में डालो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है ना, दे एक्ट में भी कोर्ट में डालने का पैसा भी उसमें डाल दो और खर्चा ले लो जमीन का, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारा सर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट है सर ऑन स्ट्रेट लैंड, काचराई लैंड, कॉमन लैंड और रोशनी लैंड। चलिए ये मैंने देख लिया आपको रिमूवल वाला, इलेक्शन का टाइम में कोई नहीं इसकी बात नहीं बात करेंगे। चलिए सर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स और स्टेटस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आ जाओ सर। उस बिल्डिंग को लेके थोड़ा इशू ये था कि डाइट क्लेम कर रही थी कि वो बिल्डिंग हमारी है, लेकिन हमें पता है कि वो बिल्डिंग जो है वो हाइट्स के भाई बॉयज वाले एज अ हॉस्टल यूज करते थे, तो उसके बाद वो बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी रही, तो हमने फिर जब कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब ने हमें कहा कि अगर कोई खाली बिल्डिंग है आप बता दो मैं उसको नोटिफाई कर दूंगा, तो वो बिल्डिंग हमने बता दी खाली खंडर पड़ी हुई थी, हमने जब वहां से जब नोटिफिकेशन हुई उसकी तो उसके लिए कुछ 8-10 लाख रुपया कहीं पिछले दिनों था उस बिल्डिंग की रिपेयरमेंट के लिए, तो ये सबमिशन है। हाँ सर है, तो हमारी ये सबमिशन है कि एक तो आज डाइट उसके लिए क्लेम कर रहा दोबारा से, और दूसरा ये कि हमारी वहाँ बहुत खतरनाक हालत है सर, कहीं एक आध वाशरूम वगैरह कहीं बुला रहे चलो ठीक। और एक्चुअल में जो मीटिंग होगी अब दूसरी वाली वो हम करेंगे इलेक्शन के बाद वाली, हो सकता है कलेक्ट्रेट पर तहसील लेवल पे तहसील वाइज मीटिंग आपकी कंप्रेंसिव मीटिंग करूंगा, क्योंकि इलेक्शन की फ्रीक्वेंट मीटिंग है, सारा इस प्रायोरिटी जो हमारी रहेगी वो है इलेक्शन की प्रीपेयर मैटर में इलेक्शन हो। और आप लोग तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, आप लोगों ने काम किया है उसी तर्ज के ऊपर, उसी तरीके से, उसी स्पीड से ऊपर काम हम लोग करेंगे। एक तो पंक्चुअलिटी रखनी आपने, इमीडिएट रिस्पांस यहाँ से जो भी आता है एसीआर साहब एडीसी साहब बताते हैं, कोई भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हमारा जिला नंबर 1 बनना चाहिए। मैंने और जगह भी बताया आप लोगों को, देखा एज डायरेक्टर रेंट कार जम्मू देखा, रूमपुर देखा, ADC में सांभा गया था, यहाँ से यू आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक हो हमारे पास रेवन्यू डेटा, तो फिर बेस्ट होने से कोई भी पेंडेंसी हमारी यहाँ रहनी चाहिए। पर क्वालिटी वाइज एक होता है खाली रिपोर्ट देना, ऐसा नहीं, आपका क्वालिटी होना चाहिए आपका डिस्पोजल के डिस्पोजल में, तो वो अपने इंश्योर करना है। तहसीलदार साहिबान जो हैं वो तहसील लेवल के ऊपर कम से कम 15 दिन के बाद एक रिव्यू देंगे, फॉर्टनाइटली रिव्यू, ठीक है। और रेवेन्यू ऑफिसर्स की मीटिंग यहाँ पे मंथली होंगी, रेगुलर बेसिस पे हर मंथ मीटिंग होगी। नियाबत लेवल के ऊपर वीकली में नायब तहसीलदार मीटिंग लेंगे, ये फॉर्मेट रहेगा, नायब तहसीलदार एक हफ्ते में एक मीटिंग रिव्यू, और उसके बाद तहसीलदार जो है 15 दिन में कंपल्सरी रिव्यू लेना महीने में 2 बार, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ रिव्यू होगा रेवेन्यू ऑफिसर्स की मीटिंग का, एक तो ये फॉर्मेट रहेगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं अभी तक, तभी हमने जल्दी में किया कि एक को बता रहे हैं तो दैट मीन्स दैट इज एप्लीकेबल टू दी अदर तहसीलदार ऑल्सो, नोट करेंगे।
आप उनका देखो, आपके बाकी इशूज पटवार खाने के वाशरूम के जो आपने बताए ये मैं देख लूँगा, इसमें थोड़ा सा इलेक्शन का टाइम में निकल जाए। उसके बाद टूरिंग मेरी रहेगी, टूरिंग मैं करूँगा जैसे मैं पहले करता हूँ। मैं रेंडम चेक करके आपके रिकॉर्ड का जो आपने फिगर्स मुझे दिए हैं मैं लोगों को पूछूंगा, कंपनसेशन जो आपने डिस्पर्स किए हैं इसके ऊपर एवेल्यूशन में करूँगा, प्रैक्टिस के बराबर से देखूंगा कितने अवार्ड दिए, कितने नोटिफिकेशन निकली। उसके बाद मैं ये भी चेक करूँगा कि एक वाली नोटिफिकेशन नोटिस निकला है तो दूसरे वाला नोटिस के बीच में कितना गैप, यानी कि जो निकला था दो दिन या तीन दिन के बाद नेक्स्ट वाली कार्रवाई, पर नेक्स्ट वाली कार्रवाई दो महीने के बाद हुई ही नहीं है। तो आपने जो है टाइमली डिस्पोजल खास करके लैंड एक्विजिशन केसेस में पूरा जो है कैलेंडर बनाना है, उसके हिसाब से डिस्पोजल करना है। पब्लिक को आपने बड़े इज्जत से मिलना है, पब्लिक के साथ आपने एसेसिबल रहना है, सब लोगों का जो है आपका रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम जो होता है बड़ा फास्ट रिस्पॉन्स जो है पटवारी का होता है, सबसे पहले हमारा पटवारी मौके पर पहुंचता है, रिस्पॉन्स सिस्टम आपका स्ट्रांग हो। नंबरदार चौकीदार के नंबर पूरे कंट्रोल रूम तक आपके होने चाहिए, एक यहाँ कौन कंट्रोल रूम हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जो 24 आवर्स चलेगा, उसके पास नंबरदार चौकीदार के नंबर, पटवारी के नंबर, पूरे रेवेन्यू के और भी महकमे के जो मुलाजिम होंगे ग्रास रूट लेवल पे उनके नंबर्स भी हैं उसके पास कंट्रोल रूम में। वैसे ही कंट्रोल रूम आपने तहसील लेवल के ऊपर उसका ही रेप्लिका आपने यहाँ बनाना है, तहसील लेवल के ऊपर और लियाकत लेवल के ऊपर पूरा नेटवर्क कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्स रेवेन्यू महकमे को मिलना चाहिए। मरवा वारवन के लोग इलेक्शन के लिए जो है जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त बहुत जिम्मेवारी है, पार्टनर एरिया है, डिफिकल्टीज हैं वहाँ पे, इंटरमीडिएट आपने पोलिंग स्टेशन वहाँ कराने हैं, देखने हैं पोलिंग स्टेशन जितने हैं, जिस रेवेन्यू ऑफिसर जब मैं बोलता हूँ दैट इंक्लूड्स द पटवारी, मगर पटवारी इज ए रेवेन्यू ऑफिसर, बेसिक विलेज ऑफिसर इज ए विलेज ऑफिसर, आपने पूरा वहाँ देखना है कि वहाँ पे अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज बिजली पानी उसका है ये नहीं है, पोलिंग पार्टीज पहुँची नहीं पहुँची, चाहे किसी की ड्यूटी यहाँ लगी है नहीं लगी है, रेवेन्यू की ड्यूटी लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ऐसा महकमा है इसकी ड्यूटी कागज थोड़ी चाहिए इसको, बट आपकी जिम्मेवारी है, पटवारी की जिम्मेवारी है इलाके के अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ टाइम पे पहुँची उनको दिक्कत तो नहीं है, पोलिंग पार्टीज पहुँची नहीं पहुँची, तो आप कंटेंजेंसी हैं सरकार के, जो कंटेंजेंसी होती है महकमा क्राइसिस का महकमा और रेवेन्यू महकमा होता है, तो उस तरीके से आपने काम करना है। तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर अगली बार मिलेगी।